अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्लेवर्ड सोडा, यानी कि दूध सोडा आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसमें आपको फ्लेवर्स भी दे दूंगी, वैरायटी हो जाएगी। तो एट ए टाइम हम ये सारे सोडाज बनाएंगे, और बल्कि मैं आपको चार फ्लेवर्स दूंगी इसके। इसमें एक हमारे पास लीची सोडा है, जो कि आप बाज़ार से लेती हैं। मेरे पास ये एक पाव से कम, थोड़ी सी आधा पाव से ज़्यादा और एक पाव से कम लीची है। इसको मैंने छील लिया, अभी मैं इसको डीसीट कर लूँगी। ये तीन फ्लेवर्स के मेरे पास सोडा है, स्प्राइट, कोक और फैंटा। स्प्राइट की जगह आप सेवन अप भी ले सकती हैं। दूध मेरे पास 3 कप है, चीनी मेरे पास 4 टेबलस्पून है, और ये एक बोनस ड्रिंक आपको सिखा रही हूँ। उसके लिए मुझे 1 टेबलस्पून भर के रूह अफ़ज़ा चाहिए, आधा ग्लास ठंडा पानी चाहिए, और अच्छे खासे हमें आइस क्यूब्स चाहिए। पहले दूध सोडा हम रेडी कर लेते हैं, जो कि 3 फ्लेवर्स का है। ये हमारे पास ब्लेंडर जार है, इसमें मैं 3 कप भर के दूध डालूँगी। दूध इसलिए कम जाएगा, ये चारों ड्रिंक्स के लिए 3 कप दूध है, क्योंकि फिर इसमें सोडा भी जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा। ये जो चीनी है, ये मैंने चारों सोडा के लिए आपको लिखवाई है 4 टेबलस्पून। लीची के लिए हम चीनी अलग से लेंगे। ये हमने डाल लिया, अभी हम इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। इस पर हम लिड लगाएंगे और हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा सा ब्लेंड हो गया है, ये आप देख सकती हैं कि इसमें अच्छी सी झाग भी आ गई है। अभी हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे अच्छे खासे। दूध भी चिल्ड था, सोडाज भी चिल्ड हैं, अभी आइस क्यूब्स भी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। तो इसमें मैं 10 से 12 आइस क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, और फिर मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छा सा। तो जो हमने दूध कम लिया है, जब उसमें आइस क्यूब्स भी जाएंगे और उसमें सोडा भी जाएगा, तो वो हमारे चारों ड्रिंक्स इजीली इस 3 कप दूध में बन जाएंगे। तो ये मैंने इसमें 12 अदद आइस क्यूब्स डाल दिए। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे दोबारा से। हमने 3 कप दूध को अच्छी तरह से चीनी के साथ ब्लेंड कर लिया था, फिर हमने आइस क्यूब डाल के इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। आइस इसके अंदर बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी ये जो हमारे पास 3 अदद ग्लास है, इनको हम आधा आधा फिल करेंगे, झाग भी साथ जाएगी, क्योंकि आपने देखा है कि जो दूध सोडा होता है बिल्कुल फ्रोदी होता है। इसी तरह से ये तीसरा वाला भी आधा फिल करेंगे। ये तीनों मैं आधे आधे फिल कर चुकी हूँ, और ये जो चौथा ग्लास है, जो कि हमारा बोनस ड्रिंक है, वो भी दूध से ही बनेगा। तो मैं आपको लीची वाला भी सिखाती हूँ। ये हम ऑलमोस्ट भर देंगे, ये देखें, जो मैंने आपको 3 कप दूध लिखवाया था वो सारा हमारा पूरा हो गया। जो लीची सोडा होता है उसमें दूध नहीं जाता, बल्कि उसमें पानी जाता है। तो जो हमारी बोनस ड्रिंक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास रूह अफ़ज़ा है या जो लाल शरबत है, 1 टेबलस्पून भर के वो हम इसमें डाल देंगे, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो हमारी बोनस ड्रिंक थी, ये रेडी हो गई, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब ये जो हमारे पास तीनों है, इसमें हम तीनों फ्लेवर्स ऐड करेंगे। ये अभी एक में मैं स्प्राइट डाल रही हूँ, इसको फिल करेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर तक आ गया, ये अब थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। तो अभी हम जो दूसरा है, उसमें मैं कोक डालूँगी। इस वाले में मैं कोक डाल रही हूँ, इसमें आपको फ्लेवर्स मिल जाएंगे अच्छे से। और ये जो तीसरा वाला है, इसमें मैं फैंटा डाल रही हूँ। ये नीचे बैठ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो जब हम सर्व करने लगेंगे, फिर हम इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सोडा डालेंगे। ये हमारे पास स्प्राइट वाला सोडा है, आप ये देख सकती हैं कि ये अब थोड़ा बैठ गया है, लेकिन इसको हम दोबारा से तब फिल करेंगे जब हम सर्व करने लगेंगे। ये हमारे पास कोक वाला सोडा है, ये फ्लेवर्ड हो गया, और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास फैंटा वाला है। तो हमारे पास बोनस ड्रिंक भी हो गई और तीनों फ्लेवर्ड दूध सोडा भी रेडी हो गया। अभी हम लीची सोडा बनाएंगे। लीचीज हैं, इनको हम डीसीट करेंगे, ऐसे कट लगा के अंदर से इसका सीट निकाल लेंगे। सारी लीची हम इस तरह से डीसीट कर लेंगे। सोडा के लिए ब्लेंडर में मैंने लीचीज डाल दी हैं, साथ ही मैंने आपको जो पानी लिखवाया था आधा ग्लास, वो भी डाल दूंगी। अभी मैंने सिंपल इसको ब्लेंड करना है, मैंने ब्लेंड कर लिया। अभी हमने इसको छानना है, इसको हम स्ट्रेन करेंगे। ये एक जो है स्ट्रेनर, मैंने एक जग के ऊपर रख दिया, अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे सारा अच्छी तरह से। इसका जितना मैक्सिमम पल्प हम टेकआउट इसका पल्प का कर सकते हैं उतना करेंगे। इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है, ताकि इसका सिर्फ रेजिड्यू बाहर रह जाए, बाकी जो सारा पल्प है वो हमें मिल जाए। तो इतनी ज़्यादा बारीक स्ट्रेनर आपने नहीं यूज़ करनी, बल्कि थोड़ी सी मोटे सुराख वाली करेंगी, तो फिर आपके पास काफ़ी इसका आउटपुट आ जाएगा। ये देखें, ईजीली ये स्ट्रेन हो गई है। जो जा रहा है, उसमें हम अपना स्ट्रेन किया हुआ लीची डालेंगे।
और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, क्योंकि वैसे तो स्प्राइट जो है उसमें चीनी है, लेकिन लीची थोड़ी खट्टी होती है, तो 2 टेबलस्पून डालेंगे, लेकिन लेवल करके, ज़्यादा भर के नहीं लेना है। अब हमने इस लीची वाले शरबत को आइस क्यूब्स के साथ और चीनी के साथ ब्लेंड करना है। अभी हमारा जो लीची ड्रिंक है वो आइस क्यूब्स और चीनी के साथ ब्लेंड हो गया अच्छी तरह से। ये हम इसको आधा इससे फिल करेंगे और अब हम इसमें वाइट सोडा डालेंगे। आपकी मर्जी है स्प्राइट डाल लें या 7 अप ले लें, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकती हैं। इसको हम ऊपर तक फिल करेंगे, फिर ये नीचे बैठ जाएगा, जब सर्व करने लगेंगे तो फिर हम इसमें और डालेंगे। अच्छा, अभी ये जो है ये हमारे रेडी हो गए। अभी आप देख सकती हैं कि हर जगह सोडा जो है वो बैठ चुका है। तो अभी जब हम सर्व करने लगेंगे तो ये जो हमारा वाइट सोडा है इसको हम ऊपर तक ले आएंगे, फिर इसकी जाग बनेगी। ये देखें, ये काम आपने एंड सर्विंग के वक्त करना है। अब हमने वाइट सोडा डाल लिया, अभी हम इसमें अपना फेंटा डालेंगे। ये हमने फेंटा डाल दी, ऊपर तक फिल कर दी। अभी हम कोक डालेंगे, इसको ऊपर तक फिल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारे 4 फ्लेवर्ड सोडा हैं, जिसमें से 3 दूध सोडा है, 1 लीची सोडा है और 1 हमारी बोनस ड्रिंक है हमारे रू अफ़ज़ा के साथ, ये इनका फाइनल लुक है। आप ये देख लें, आखिरी टाइम पे जो जाग है बिल्कुल ऊपर नज़र आनी चाहिए। आखिरी टाइम पे ज़रूर आपने सोडा डालना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।